8 साल का रवि उसका नाम है। दमोह से उसने मैसेज करा है, मैं मोबाइल लाया नहीं ऑफिस का। उस बच्चे का मैसेज था, मैं मेरी माँ का 8 साल का पुत्र हूँ, कोरोना में मेरी माँ चली गई। डेढ़ महीना हुआ मेरे पिताजी भी चले गए। अब मैं मेरी दादी के पास में हूँ, पर मेरे कोई चाचा नहीं, मेरी कोई बुआ नहीं, मैं अकेला हूँ। मैं मेरे माता पिता के लिए नाम गोत्र लिखकर कैसे भेजूं? आप लिख लोगे क्या फोन पर? हमने आशीष जी से कहा, आशीष नाम लिखिए, बच्चा छोटा है। उस बच्चे ने अपने माता पिता का जब स्वर्गवासी नाम लिखा रहा था, उसकी आंख से अश्रु झड़ रहे थे, बोलते नहीं बन रहा था उससे। क्या बोले? माई के दुधवन जैसन दुनिया में कौ मिठाई ना मिलई। बबुआ सब कुछ मिल जा दुनिया पर माई ना, सब मिल सकता है पर माँ नहीं मिले, बहुत कठिन है। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती। उस बच्चे के बाद में जब फोन आया तो संबोधन सुनिएगा उस बच्चे की। रवि दमोह से अगर कथा सुन रहा हो तो बेटा सुनिएगा, आपने कहा था अब मैं मेरी दादी के पास सोता हूं और याद मुझे मेरी मां की याद है। रात को खांसी भी चल जाती थी तो मेरी मां उठ जाती थी, गुरुजी एक पालक नहीं ना जाने कितने हैं सारे। इस कोरोना महामारी में जिसको सबको निगल लिया है, कितने घर सूने हो गए, उनका दर्द देखकर ये 24,000 श्लोक का हवन रखा। आपसे धन नहीं चाहिए, मत दो आमदान, पर उन जीवों का कल्याण हो जाए साहब। खुद गीले में सोती है, मुझे सूखे में लाती, खुद भूखी रह जाती है, मुझे निभला के ला। माई के आशीष जैसन दुनिया में कौ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई नाम। माए का भी जब तक अच्छा लगता है जब तक माँ रहती है, माए का भी खाने को दौड़ता है। इतनी अवस्था के बाद भी माए के जाती है तो मम्मी की याद आ जाती है। माँ तू होती तो मुझे तिल्ली का लड्डू बनाकर खिला दे, छोरी ये ले जा मैं बैग में रखकर दे देती हूँ तेरे को। छोरी मैंने तेरे लिए साड़ी तैयार कर कर रखी थी, एक पहन कर, अच्छी लग रही है ना? माँ अब तो साड़ी भी अच्छी नहीं लगती। माँ भले बूढ़ी हो गई, पर वो सामने है ना, अच्छी लगती है, उसके चेहरे की चमक अच्छी लगती है। गाय भी कितनी बूढ़ी हो जाए पर कसाई के घर पर अच्छी नहीं लगती, भले उसको गौशाला में छोड़ दो वही अच्छी लगती है। ऐसा कितना दिया है उसने मां, एक अवस्था ऐसी होती है कुछ नहीं रखती, सब दे देती, आज पार्वती मैया के नेत्रों में जल इसलिए है क्योंकि मैंने उसको गोदी में लाड़ लड़ाया है। आज मैंने उसको गोदी में लिया है और ये मेरा पुत्र मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। मां क्रोध में आती है तो रोती है, गुस्से 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 में आती है तो रोती है,
गुस्से में आकर भी मां रो लेती है, बहुत अच्छा काम हो जाए तो मां रो लेती है, उसके नयन झलक जाते हैं। बद्दुआ देती है तो उसमें भी दुआ दे देती है, उसमें भी दुआ देती है। उसने कह दिया तू मेरे लिए मर गया, फिर भी भगवान से संतान सप्तमी के दिन कड़े में चांदी का वजन बढ़वा लेती है। कोई कहता है तेरा बेटा लग रहा है, वो तो मर गया तेरे लिए कह कर गया था, फिर तू ये संतान सप्तमी का उपास क्यों कर रही है, दशा माता का व्रत क्यों कर रही है। वो भले चले गया पर बेटा तो मेरा, संतान सप्तमी को भूखा रहती, संतान दशा माता का पूजन करती भूखी रहकर, मेरा बेटा तो है, मैं व्रत तो करूंगी, बलदाऊ छठ का व्रत करूंगी, हर छठ का व्रत करूंगी, मेरा बेटा तो, भले वो लड़ लिया झगड़ लिया चले गया पर पुत्र तो पुत्र है, पुत्र पुत्र है। पार्वती मैया अंदर चली गई, शंकर भगवान को बाहर भेजा, वो आया है अंधकासुर। शिवजी बाहर नहीं निकले, उन्होंने काल भैरव को बुला लिया, बटुक भैरव को बुलाकर कहा जा सिर काट दे, जो अपनी माता को गलत दृष्टि से देखे उसका सिर काट दे, इस भारत माता को और भारत की बहन बेटियों को जो गलत दृष्टि से देखे काट दे, छोड़ना मत, जा काट, तब मनाया जाएगा बेटी दिवस, डॉटर्स डे, ऐसा डॉटर्स डे किसी काम का नहीं।